अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज अपन ब्लॉग बनाने वाले, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। अभी तक मैं जो भी फिरा हुआ था खाली ओनली तेलंगाना में फिरे हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम अपन तेलंगाना छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे, और वो स्टेट कौन सा है और मैं कौन सी सिटी में जा रहा हूँ मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो सस्पेंस रहेगा आपको। और आज रमज़ान है लेकिन ईद के दिन हम लोग ट्रिप डाले, और मैं बोलना भूल गया आपको, मैं दोस्तों के साथ जा रहा था। तो और ये ईद के दिन पूरे लोग ईद मना के बाद में रात में निकलने वाले, 10:30 बजे ट्रेन है। तो अभी तो पूरा घर में पैकिंग चल रहा, पूरे कपड़े एकदम सामने डाल लेके बैठे हुआ हूँ मैं। क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना समझ में नहीं आ रहा, पूरे के पूरे बैग कन्फ्यूज कन्फ्यूज हूँ मैं तो। आप देखो पूरा कैसा चल रहा मेरा पैकिंग पूरा। ये देखो गाइस, पूरे के पूरे कपड़े निकाल के बैठे हुआ हूँ। कौन सा पैक करना कौन सा पैक नहीं करना समझ में नहीं आ रहा, कौन सा लेके जाना कौन सा नहीं लेके जाना, कौन सा पहनना कौन सा नहीं पहनना भी समझ में नहीं आ रहा। दिमाग ख़राब हो जा रहा जब से कपड़े पूरे ले लेके बैठे हुआ हूँ। एक तरफ से दोस्तों करने से पूरे रिश्तेदारों करने से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, या तो उधर बात करो ना तो इधर पैक करो, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ से क्योंकि टाइम खाली भागते जा रहा भागते जा रहा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं बैग पैक करने के टेंशन में आप लोग सबको विश करना ही भूल गया था। आपको आपके फैमिली को मेरे तरफ से ईद मुबारक। आई होप पूरे लोग ईद एंजॉय कर रहे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े पूरे चले होंगे बोल के समझ रहा हूँ। और भाई पूरे लोग ईद कैसा करे कैसा एंजॉय करे और कहाँ कहाँ गए एक बार मेरे को कमेंट में बताओ। ये वीडियो तो कन्फर्म ईद के बाद आने वाला है, और ईद के बाद अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें बोल रहा हूँ कि भाई ईद के दिन मैं अपलोड ईद के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए तो आप लोगों को विश कर रहा हूँ मैं। और पूरे लोग कमेंट में बताओ कहाँ कहाँ गए क्या क्या करे ईद के दिन, ज़रूर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आप लोगों के। तो गाइस ऑलमोस्ट पूरा पैकिंग हो गया, और अब ट्रेन का टाइम हो रहा। मैं फिर फिल्म नगर जाना है, मतलब वहाँ पे मेरे को मिलने, वहाँ से गोलनाका से भैया हैं, वहाँ जाके उनको मिल लेके सीधा वहाँ से वहाँ फिर रेलवे स्टेशन जाना है। और पूरा पैकिंग तो हो गया फाइनली, और अपन अपन तो अब घर से निकलने वाले फिल्म नगर जाके वहाँ पे भाई को मिल लेके, उधर से उधर रेलवे स्टेशन जाना है अपन तो अब। ये देखो पूरा पैकिंग पूरा ख़त्म हो गया, बैग तो रेडी है जाने के लिए, लेट्स गो। और अपन मिलते सीधा रेलवे स्टेशन में। 3 hours later गाइस स्टेशन पे तो पहुंच गए, लेकिन अभी ट्रेन के वास्ते ढूंढ रहे हम लोग, ट्रेन मिल गया बट लेकिन हम लोगों का जो सीटिंग है उधर वो कहाँ है नहीं दिख रहा है। S1 के वास्ते ढूंढ रहे हम लोग अभी, तो देखो पते लोग पूरे पीछे कैसा आ रहे। तो गाइस फाइनली तो ट्रेन तो मिल गया और अपने सीटा में मिल गए, इधर इधर करके हम लोग दूसरे हम लोगों की सीट में बैठे हुए थे, फिर भी हम लोग उठा के आ गए। बैग में आंटी देखो आंटी भैया हमारे फारस को कुछ भी बोलो ना जी। क्या अरे भाई घर में खाके सो जाता है, चलो तुम कहे को आए भैया फिर घर में खाके नहीं सो जाने वाले, ट्रेन में खाके सो जाने हटो। क्या तुम्हारे बाबा की है क्या ट्रेन खाके सोने वाले से, तो दूसरी पानी का बॉटल दी कौन बाबा दी है वो हम लोग लाए पानी के बॉटल। हम
लो के टिकटा इधर रहता तो उधर जा रहा देखो खाली पीली लाउंड बना करने से उधर जा रहा हाँ जहर भाई किधर जा रहे थी नहीं नहीं सीटा उधर रही थी इधर कहाँ जा रहे मारते उधर के भाई ने फुल सोया हुआ देखो हम लोग पूरे एंजॉय कर रहे थे। टीसी आ रही है टिकट का दे ब्रो ले लो टीसी आ रही है अरे तू पहले उठ अरे पहले उठ अरे उठे तू पहले सॉरी सॉरी लेट लेट ना लेट बता रहे सही बता रहे टीसी टीसी टीटी नहीं आया टीसी आया टीटी नहीं आया टीसी आया पेपर ला दो टीसी का बेटे टीसी का पेपर दे तेरा देखो भाई टीटी को टीसी टीसी भर रहा है आने से पहले बोनाफाइड इनका मेमो बोनाफाइड टीसी देखे तुम इसमें बैठे टीटी बुला रहा जाओ तुम इधर टीटी बुला रहा जाओ बोनाफाइड से तुम्हारा पता बता तुम्हारा बोनाफाइड बता मेजर है तुम मेजर पास है तुम बोलो जी आने से पहले पूरा फेंक लिया मैं नहीं सोता हूँ करता हूँ मर के देखो यार मेजर मेजर है तुम टीटी टीसी सॉरी टीसी हाँ अरे रुक रहे तो फेमस हो रहा अच्छा फेमस हो रहा है बुला लेते थे कंपनी वाले बड़े बड़े कंपनी वाले मुझे बुला रहा है बुला रहे हैं बहुत सारे बुला रहे जाने को बुला रहे हैं टीम बेस्ट 200 के फॉलोअर्स आ गए रे अरे भाई तेरे को बुला रहे हैं पापा दिखा दी तेरे को 107 से बढ़ जा तेरे को तेरे को बोल 107 गाइस फाइनली तो करीब आ गए मोर 9 किलोमीटर से अब उतरने वाले हम लोग थोड़ी देर में लेकिन यहाँ तो बहुत डेंजर हीट दिख रहा हम लोगों को तो हैदराबाद से भी ज्यादा आएगा हीट और तुम लोगों को मैं अभी भी रिवील नहीं करने वाला हूँ उतरने के बाद बोलता हूँ हम लोग कौन से सिटी में जा रहे हैं मुंबई आके बोरान बोल रहे पट्टे अपने परेशान हो जा रहे हो रहे ट्रैफिक में फाइनली तो मुंबई पे आ गए
फिर भी रूम से आज हम लोग धूप में ऐसा फिर रहे, एकदम डेंजर वाले तो डेंजर है धूप यहाँ पे हैदराबाद से। भाई हमारे यहाँ पे भाई मिल गए, इनके वजह से हम लोग को रूम मिल गया। तो गाइस अब तक जो हम लोग जो होटल देखने वहां से गए थे, लेकिन वहां पे होटल में रूम्स नहीं है, और हम बाजू होटल्स में भी देखे लेकिन फिर भी सिक्स मेंबर्स के लिए रूम खाली नहीं है बोल रहे थे। तो हमारे टिप्पू भाई दूसरे पास लेके जा रहे हैं। तो टिप्पू भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? अजंता होटल। अजंता होटल वहाँ पे मिल जाता पक्का रूम? हाँ भाई, हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अजंता होटल के थे भाई वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके देखेंगे रूम मिलता है या नहीं मिलता। भाई का नाम टिप्पू है, आप कभी भी आए तो भाई को रीच हो जाओ, भाई सुकून से आपको बता देंगे रूम। तो गाइस फाइनली रूम तो मिल गया हम लोगों को, जो अब तक टिप्पू भाई बोल रहे थे होटल अजंता वही होटल में मिला हम लोगों को रूम। बट क्या बोले तो हम लोगों को पूरों को एक ही रूम में होना था, लेकिन दो रूम मिले। और रूम कैसे भी मैं बताता हूँ, आप लोग देखते रहो। और रूम तो अच्छा है, लेकिन कल फिर हम लोगों को शिफ्ट करते बोल रहे पूरे लोगों को एक ही रूम में। आज के रूम कैसे देखो खाली, अरे आते कि फटे खाली चिल्ला रहे वहां की एसी में जबरदस्त। हां आजी भाई खाली एसी वाले के मस्त लेटे हुए तो वहां लेटना है लूटना है खाली। देखो एक हम लोगों का पहली रूम था और एक दूसरा रूम बता रहा हूं। देखो हमारे बबुल भाई देखो पूरा सारे चिल्ला रहे वहां की। भाई तुम तो सेपरेट आ गए ना, खुश है ना? आप तो सुख में एसी के नीचे सो गए तुम। हां अब टीवी ऑन करो, टीवी चालू करो। आईपीएल देखने आता खाली टीवी में बैठ के चुके थे भाई, खाली तो खाली आईपीएल, खाली आईपीएल चलाना है। अब देख के खुश रह रहा आईपीएल। The next day. Good morning guys. कल रात में तो हम लोग फुल सो गए, रोमा ऊपर देखते देखते फुल थक गए थे। यहाँ पे तो एकदम डेंजर गर्मी और फुल धूप है, यहाँ पे तुम लोग कहीं भी नहीं फिर सकते, उतना डेंजर धूप है। और एक इधर ट्रैफिक ना अपने हैदराबाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इतना डेंजर ट्रैफिक है इधर। और तुम खाना बोले तो खाना तो एकदम सही नहीं है, तुम लोग हैदराबाद खाना या खाना बोल के समझे तो अपन वो ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह जाएंगी। वो इतना डेंजर खाना भी है, उतना खाना भी खास नहीं है यहाँ पे। और गाइस आज हम लोग जाने वाले एलिफेंट केव्स। एलिफेंट केव्स तो अपने गेट ऑफ इंडिया के पास है, हम लोग रात में भी गए थे गेट ऑफ इंडिया लाइटिंग देखेंगे बोल के, लेकिन कुछ भी सही नहीं था। तो आज हम लोग फिर सुबह में जाएंगे, आज जाके पूरा एलिफेंट केव्स के पास पूरा देख लेके फिर हम लोग फोटोशूट करके आएंगे। और हम लोग को यहाँ पे फिर रूम चेंज करना है, मतलब कल दो रूम दिए थे, आज एक ही रूम में हम लोग सब कुछ थे। तो रूम चेंज करके फ्रेश अप होके निकलने वाले एलिफेंट केव्स। One hour later. तो गाइस अपन पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। ये देखो आपको बताऊंगा मैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइस हम लोग एंट्री तो हो गए और अंदर जाके अब टिकटा लेना है। यहाँ तो बहुत लंबा लाइन दिख रहा है टिकटों के वास्ते। और ये देखो मैं बताऊंगा आपको कितना बड़ा लाइन है। अब यहाँ पे तो फुल रश है, देखो मेरे पीछे आप लोग पूरे लोग देख रहे होंगे। मैं तो फाल के किधर भी उड़ा दूंगा, बहुत डेंजर रश है इधर तो। आप कैसे भी करके तो लेकिन कन्फर्म जाना ही जाना है एलिफेंट केव्स को, और देखना है कन्फर्म जरूर यहाँ पे। गाइस हम लोगों का लक अच्छा है गाइस, टिकट जल्दी बहुत जल्दी मिल गया हम लोग सबको। अदर बीच में जाके घुस के ले लिया हम लोग टिकट, टिकट तो मिल गए। और हम लोग चढ़ने वाले हैं, बोट चढ़ने वाले हैं। अभी तो पानी में डेढ़ घंटे का रास्ता है कहते, और फॉर द फर्स्ट टाइम डेढ़ घंटा हम लोग पानी के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। गाइस बोट चढ़ गए गाइस, और बोट चढ़ के हम लोग ऊपर आके होना अमाउंट एक्स्ट्रा बनना है कहते ऊपर, तो एक्स्ट्रा अमाउंट बन के फिर भी हम लोग ऊपर आके बैठे हुए। एकदम जबरदस्त व्यू दिख रहा पानी का, देखो पर्वत तुम लोग।
अभी तो हम लोग बोट के अंदर है। तो गाइस हम लोग रीच हो गए एलिफेंटा केव। गाइस रीच तो हो गए लेकिन अंदर जाने के लिए 1 किलोमीटर चलना है कहते। 1 किलोमीटर चल के हम लोग अंदर जाने वाले हैं। पहले तो एकदम ऊपर से दबा के धूप मार रहा हूँ लेकिन फिर भी अच्छा ठंडा तो हवा आ रही, लेकिन 1 किलोमीटर चलना है तो चल रहे 1 किलोमीटर। देखेंगे कितनी देर में पहुँचेंगे वहाँ पे। गाइस हम लोग एंट्री हो गए अंदर, फिर और क्या एंट्री टिकट लेना करते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम था। एंट्री टिकट ले लेके आ गए हम लोग। ये देखो पहला केव है और इसको गुफा बोलते हैं पूरे लोग इधर। और ये देखो पहली गुफा है कहते। और हमारे जानी भाई भी क्या कर रहे, कि देखने के ऐसे आते भाई क्या देख रहे, अल्लाह को जा रहा पूरा यहाँ पे हैदराबाद में ऐसा कर रहे, दबा के रख लेके आना पड़ता थोड़ा बहुत लाए बोले तो। देखो ये तो सही बात है भाई, यहाँ पे ना अलग लूट रहे, खाने के नाम अलग लूट रहे, लेकिन लूटना तो जरूर लूट रहे यहाँ पे। गाइस हम लोग क्लोजिंग के टाइम पे आए, खाली एक ही केव देखे, पूरा नाच दे सके, लेकिन एकदम जबरदस्त शूट तो हुई हम लोग की, थोड़ा बहुत तो फायदा तो हुई। और हम लोग फिर रिटर्न हो रहे रूम को और फिर बोट में जाने वाले हम लोग। अच्छी भाई पीछे माला तो अच्छे मगर समझ में नहीं आ रहा क्या करना, बे भरी दिखी रहे। देखो देखो बैगनी कलर की दिख रही पीछे नहीं दिखी, अरे एक मिनट दिखाता हूँ। अरे कभी भी यही रहता रे तेरे को मजा ही लेना, काम भी आए नहीं रहते दूसरे काम। अरे पीछे बच्चों के पीछे समझो, दिखा दो एक मिनट। देखो भाई हैदराबाद में नहीं छोड़ता, अचंभेट गए तो अचंभेट नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ते मुंबई में भी नहीं छोड़ रहा, इन्हें नहीं बदलता अब खत्म इसकी बात। कलर तो जबरदस्त है मिल जाता था मगर अब वो देखो कैसे खाली ये दूर था भाई कैसे खाली देखे खुश हो जाना खाली, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकती।
eternity later. So guys, हम लोग निकल गए ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन. वहाँ जाने के बाद हम लोगों को सांता क्रूज जाना है. सांता क्रूज से फिर टैक्सी पकड़ के जो भी जाने वाले हम लोग, मैं जाके बताऊंगा तुम लोगों को और कैसा जा रहे हो देखो तुम लोग. गाइस हम लोग रीच हो गए ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से निकलने वाले हैं. टिकट आ गए भाई. अब देखो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. गिल भाई मेरा ना स्टेशन पे आ गए. ठंडा पी रहे अभी, तो ठंडा पी के निकलने वाले हैं जो भी सीधा. देखना है धूप गर्मी के वहां से डबल डबल ड्रिंका पीना पड़ रहा. क्या करे के लिए लौंडों को ले लेके आगे देखो. अरे बोर्ड सीधा रख लिया जी. मिल गया. बच्ची के साथ बैठे हुआ था. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. लेकिन नहीं गाइस हम लोग यहाँ पे सांता क्रूज से निकले हैं जुहू बीच के लिए और यहाँ जुहू बीच से ऑटो को लेके जाना है कहते हैं. हम लोग ऑटो में जा रहे हैं अभी तो. और भाई कितने देर में पहुँचेंगे जुहू बीच? 15 मिनट में जुहू बीच पे पहुँचेंगे. और देखो अपने पट्टे लोग और दूसरे ऑटो में आ रहे हैं. यूट्यूबर है. तो गाइस जुहू बीच पे तो हम लोग रीच हो गए. तो एकदम बोले तो एकदम व्यू दिख रहा. एक बार आप लोग देखो पूरे परेशान हो जाएंगे. व्यू इतना जबरदस्त दिख रहा, मेरे को तो बहुत पसंद आया था व्यू. देखो आप लोग फुल भीग गए यहाँ पे. अभी आप देख सकते हैं हम लोगों के पूरे तो बबुल पर तो छटी निकाल दिए. देखो पूरा भीग गए हम लोग. अभी भी सनसेट होने वाला है फिर भी हम लोग यहीं पे है. देख सकते हैं आप अभी भी फुल मतलब एकदम पब्लिक और ज्यादा हो गया था हम लोग आने से तो भी. आप देखो पूरे पीछे कितना रस दिख रहा.
day later. Guys, आज हम लोगों का लास्ट डे है मुंबई में और हम लोग कल पूरा शॉपिंग में बिजी थे इसलिए व्लॉग भी शूट नहीं कर सका मैं कल पूरा. कल का दिन तो एकदम डेंजर मतलब डेंजर गया. फुल गर्मी भी थी. वो गर्मी का एग्जाम्पल मैं एक वीडियो भी डालूंगा आप लोगों के लिए. वो वीडियो भी देखो कितना गर्मी है इधर. और आज हम लोग जा रहे हैं हाजी अली और हाजी अली जाने पूरा देख लेके कर लेके वहाँ से हम लोगों को बस में निकलना है. आज मतलब ट्रेन अवेलेबल नहीं है इसलिए बस का टिकट बुक करें हम लोग और वहाँ से निकलते सीधा बस के लिए. बस में चढ़ के सीधा हैदराबाद जाने वाले हैं. गाइस हम लोग पहुँच गए हाजी अली लेकिन यहाँ रोड से और अंदर चले थे जाना थे और हम लोग तो अभी जाने वाले हैं. अभी रोड पे जा रहे अभी है हम लोग देखो. गाइस मैं पहले मानने वाला नहीं था. मगरिब का टाइम होता कि पानी एकदम ज़्यादा आ जाता और रास्ता पूरा बंद होता बल्कि सुने हुआ था मैं. अभी यहाँ पे देखने के बाद वो सही में मानना पड़ रहा है. एक बार देखो मैं पहले आई जब इतना पानी नहीं था लेकिन अभी तो बहुत पानी दिख रहा. खाली हम लोग असर की नमाज पढ़ के बाहर आए हुए थे ख़त्म एकदम पानी बढ़ गया. कैसा आया पानी किधर से आया समझ में नहीं आ रहा पानी लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा दिख रहा. एक बार देखो मेरे पीछे तो भाई हम लोग फाइनली हैदराबाद पहुंच गए. कल दरगेगंज से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा तबीयत भी ख़राब हुआ था और होने के अब पूरा हरी भरी में थे हम लोग. बस कहाँ पे मिस हो ना बल्कि इसलिए मैं ब्लॉग थोड़ा शूट नहीं करा हो. और हम लोग तो फाइनली पहुंच गए. अभी भी हम लोगों का दोनों का तबीयत तो ख़राब है और फिर भी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैदराबाद. और अब हम लोग अभी बस में उतरे और बस भी लेट हो गया था. उधर फुल ट्रैफिक भी हुई थी इसलिए हम लोग बस लेट हो गए थे. और अब हम लोग आगे फाइनली मुंबई को तो अब एक बार कोई भी नहीं जाने वाले हैं हम लोग. कोई भी इतना डेंजर है मुंबई. पहले मैं खाली मुंबई के बारे में से मैं तो लाइट लिया था लेकिन दोस्तों आप लोग कहीं भी मुंबई जा रहे कोई भी बोले तो एकदम सोच समझ के जाना. गए तो भी खाली एक दिन या दो दिन के लिए तो लेकिन उससे ज़्यादा तो उधर ट्रिप डालो ना को एकदम डेंजर बोले तो डेंजर है. हैदराबाद के साथ तो नहीं होता मुंबई. और गाइस और हम लोग यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करेंगे.
और गाइस और सपोर्ट करते रहो, मेरे को बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों की तरफ से, और इंस्टा पे भी अच्छा थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, और भी सपोर्ट चाहिए मेरे को गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू।